मुझे पतझड़ की कहानियां सुना के उदास न कर ए जिंदगी, नए मौसम का पता बता, जो गुजर गया वो गुजर गया। हाल ही में दुनिया भर में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन दिवस पर समीक्षा की गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार किसान आत्महत्या के बाद विद्यार्थी आत्महत्या में भी महाराष्ट्र भारत में प्रथम राज्य है। देश में 2017 के रिपोर्ट के मुताबिक 9400 स्टूडेंट ने अपनी जीवन यात्रा खत्म कर दी। इसका मतलब हर एक घंटे में एक विद्यार्थी और करीबन रोज 26 विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं। पढ़ाई में असफलता, बेरोजगारी, तनाव और प्रेम भंग यह प्रमुख कारण बताए जाते हैं। हर पीढ़ी की तनाव का सामना करने की क्षमता कम होती जा रही है। तकनीकी दुनिया में हर बात जहां एक बटन के क्लिक पर अवेलेबल होती है और माता पिता अपने करियर के सपनों को पूरा करने में व्यस्त हैं, ऐसे में आज के युवक के लिए किसी भी बात को लंबे समय तक इंतजार करना मुश्किल होता जा रहा है। कोई भी बात जब लंबा इंतजार करना पड़े तो उन्हें जीवन नीरस लगने लगता है। बढ़ती हुई डिप्रेशन की समस्या, रिश्तों की दूरियां और बढ़ता हुआ अकेलापन, यह नशों की चीजों को इस्तेमाल करने को युवकों को प्रवृत्त करते जा रहा है। सजग समाज के लिए यह एक अत्यंत चिंता का विषय है। चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन ने समय की इसी मांग को समझते हुए बच्चे, किशोर तथा युवकों के लिए जीवन प्रबंधन शिक्षण, भावनिक बुद्धिमत्ता, मूल्य शिक्षण और व्यसन मुक्ति जनजागरण कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। साथ ही विद्यार्थी जीवन को प्रभावित करने वाले शिक्षक तथा पालक, इनके लिए भी भावनिक बुद्धिमत्ता तथा सकारात्मक पालकत्व की कार्यशालाएं बनाई हैं। जनजागृति कार्यशालाएं और समुपदेशन के माध्यम से इस समस्या पर रोकथाम करने का काम चेतना ने हाथ में लिया है। साथ ही गरीब आत्महत्याग्रस्त किसान, मजदूर, इनके बच्चों को मराठवाड़ा के छोटे गांवों में से औरंगाबाद लाकर चेतना ने इस वर्ष 10 बच्चों का पुनर्वसन कार्य किया। उनके उच्च पढ़ाई और भोजन आदि खर्चे के साथ इन विद्यार्थियों को जीवन प्रबंधन तथा मूल्य शिक्षण देते हुए एक व्यसन मुक्त और चरित्रवान युवा धन समाज को देने का मानस चेतना रखती है। MSc करने वाले आशीष ने भी चेतना से जुड़कर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ा है। दोस्तों की वजह से मेरे कदम व्यसनों की तरफ बढ़ने लगे। घर वाले बहुत परेशान थे, रोज झगड़े ही बढ़ने लगे। इसमें चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन की तरफ से ने 3 महीने का समुपदेशन और जीवन शिक्षण प्रबंधन कैंप किया। इससे मैं आज पूर्ण रूप से व्यसनों की तरफ से दूर हूँ और नई उम्मीद के साथ अपने जीवन को देख रहा हूँ। 2018-19 में करीबन 20 स्कूल के माध्यम से 7000 विद्यार्थियों तक व्यसन मुक्ति जनजागरण कार्यक्रम शुरू है और करीबन 500 विद्यार्थियों को समुपदेशन दिया जा रहा है। साथ ही 5 स्कूलों में जीवन प्रबंधन शिक्षण कार्यक्रम हर हफ्ते किया जाता, जिसमें 700 विद्यार्थियों को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 10th पास हुई साक्षी को चेतना के कैंप से स्वयं की उदासी का कारण समझ में आया। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे माता पिता मुझे समझ नहीं रहे और मेरे अंदर बहुत निराशा की भावना बहुत बढ़ गई थी। परंतु चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन के प्रबोधन कैंप के बाद मेरे अंदर बहुत सकारात्मक बदल हुए हैं और मैं अभी सबके साथ घुल मिल रही हूँ और मुझे ये जीवन बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। चेतना हैप्पी विलेज के रूप में 12 किलोमीटर की दूरी पर प्रकृति के गोद में बहुत ही सुंदर ट्रेनिंग रिट्रीट सेंटर और विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल सुविधा कुछ महीनों में उपलब्ध कराएगी, यह चेतना का वादा है। इस अनोखे ट्रेनिंग और काउंसलिंग सेंटर में हर वर्ष 7000 किशोर तथा युवक, 2000 शिक्षक, 3000 पालक, कंपनियों के कर्मचारी आकर भावनिक बुद्धिमत्ता के अंदर
अलग अलग विषयों पर ट्रेनिंग्स लेंगे। आज हर माता पिता और शिक्षक को एक अच्छा समुपदेशक होने की ज़रूरत है, तभी युवा भारत के युवा धन को बचाने में हम सक्षम हो सकते हैं। चेतना की ओर से सभी सजग नागरिकों को यह आह्वान है कि ऐसे बड़े कार्य में अनेक हाथ जुड़ने से स्वर्णिम भारत की निर्मिति हो सकती है।